धोखेबाज निकलोगे, दगाबाज निकलोगे। श्रृंगार करो, मेरे पास आ गए महारानी। कही मैं तुम्हें बहुत अधिक चाहता हूँ। उधर पहुँच गए कौशल्या, तो महारानी कौशल्या मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। हेलो, हाँ ये 101 रुपया बच्चे हलवाई नीरज पंकज और 51 रुपया नीरज राजपूत कुलई और 11 रुपया बच्चू नागर, 11 रुपया रामकर राजपूत, 11 रुपया रविंद्र वर्मा सेसा और 10 रुपया संतोषी वर्मा उलई, 21 रुपया अखिलेश बुलेरा महोबा और 11 रुपया कल्लू महाराज नस्सी वाले, 11 रुपया आलोक गांधी नगर की ओर से आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये 11 रुपया रविंद्र वर्मा सेसा, 11 रुपया संजीव काकी और 21 रुपया रमेश चंद अग्नोत्री कोठौन वालों की ओर से आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भूल गए सब तो चोट जब तुम यहां
क्या है? अभी तक तो तुम सब कुछ थी, आज क्यों बदल रही हो? मैं आपकी कोई नहीं, आपकी तो सब कुछ वही है। कौशल्या, सुमित्रा, उसी के पास चले जाओ, आज मेरे पास आ गए। आज तुम्हारी बातें अलग लग रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। अरे कौन तुम्हारी? अरे होती हूँ जब मुझे मनाने आए हो, मन में रखते हो या मन में रखते हो ये स्वार्थ भाव कटाने। इस जग में कोई किसी का नहीं होता, सभी मुझे देखे की चाहत होती है। इस जग में कौन हुआ किसका, सब ये मोहते की चाहत है वही तुम्हारी, है वही तुम्हारी ये प्राण प्रिया जितने पूरी अपना। आज मैं अपनी मांग आपसे फिर भराना चाहती हूँ, भरोगे? हेलो, हाँ, ये क्या रुपया? डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी नगर अध्यक्ष उरई दशरथ कैकई की सुंदर अपने पर दे रहे हैं, और 21 रुपया सुरेश मास्टर साहब बीरपुर वालों की ओर से आए हैं कैकई और दशरथ के सुंदर अपने पर। बहुत बहुत इस अयोध्या साम्राज्य की महारानी जिसके पास कोई अभाव नहीं है, रहने को कनक भवन है। हम तो ये कहेंगे कि अगर तुम्हें मांग, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारी मांग मैंने पूरी न की हो, क्योंकि हमारा धर्म है महाराज, क्योंकि सम्मान मांगता है रानी, पूछो अपनी इन पटियों से, जो सदा मांग का प्रेमी है भरती हो जिसे मोतियों से। अरे तुम्हारा जो मांग हो वो करूंगा मैं पूरी, रही मांग तेरी कभी ना अधूरी। फिर भी तुम्हारी मांग, लेकिन आज ही क्यों ये मांग की बात आ गई? इससे पहले कभी मांग की बात नहीं आई। इसलिए मेरा कहना यही है, ये क्रोध का परित्याग कर। देखो तुम्हारा प्राण प्यारा तुम्हारे पास आया है, मांग की बात तो हो जाएगी। अरे क्या रखा है ताहत किया हो है ना भर भर, तुम्हारी मांग तो पूरी होगी, लेकिन आज मैं हृदय में बड़ी प्रसन्नता लेकर के आया हूँ। चल करके महारानी के साथ राम के राज तिलक की बात करेंगे। क्या रखा है ताहत किया हो मैं,
अयोध्या की रानी आ जाओ, हे रानी कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारी मांग को पूरा करना हमारा धर्म भी है। मांगना चाहते हैं कोई बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आज ये सुंदर मुखड़ा वही दिखा दो बस। नहीं महाराज, क्योंकि हम तो तुम्हारे सुंदर उस सेना अरे मानू रे तेरे महारानी आ जाओ मेरी बाहों। अब बुढ़ापे में बाहुई में समानत रहे बस तुम मुस्कुरा अरे मानू रे ये ना मानू रे ये दगाबाज तोरी ये धोखेबाज तोरी अरे पतिया ना मानू रे। अब मुझे विश्वास नहीं रहा है आप पर, सुनो इन चिकनी चिपड़ी बात कहकर कह रहे महारानी दो वरदान की जगह चार ले लो, जितने चाहे उतने ले लो, ना मैं जितने चाहिए ना चार चाहिए, हमें तो बस हमारे दो वरदान चाहिए। सुनो महाराज इन चिकनी चिपड़ी बात कहकर मुझ अबला को ना बहकाओ, सच्चे हो रघुवंशी हो सतवादी हो तो सौगंध राम की खा जाओ, सौगंध राम की खा जाओ, सौगंध राम की खा जाओ, तब मुझे विश्वास होगा जब आप सौगंध राम की खा जाओ। एक बार बताएं, जब पति और पत्नी के बीच में विश्वास ही समाप्त हो जाए तो फिर घर नहीं है, घर ही कलह का केंद्र बन जाता है और कह रही हमें विश्वास नहीं,
लेकिन एक बात याद करो, क्या किस विश्वास के साथ तुमने मांग में सिंदूर भरा था, किस विश्वास के साथ पैरों में बिछिया पहने थे, किस विश्वास के साथ गले में मंगलसूत्र पहना था। आज सारा विश्वास समाप्त हो गया और कह रही है मुझे अबला को न बहक। अरे कौन कहता है कि तुम अबला हो, अरे तुम तो सबला हो, क्योंकि रथ की कील निकलने के बाद महारानी की उंगली जब रथ में फंस गई और वो महारानी कह रही अबला हम तुम्हें बहका नहीं रहे हैं, तुम कह रही हो राम की सौगंध खा जाओ। तो प्रिय महारानी राम की सौगंध खाने के लिए तुम आज मुझे मजबूर कर रही हो। हाँ, तब मुझे विश्वास होगा, नहीं तो अब मुझे विश्वास आप पर रहा ही नहीं। तो आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, माणिक समुद्र में हो चाहे अंबर पर टकराए, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। अब मुझे विश्वास अब हो गया, अभी तक नहीं था। जो मैं मांगूंगी आप मुझे बस नहीं, अभी विश्वास क्यों नहीं था, आप ही ने मेरा कारण क्या रहा, आप ही ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। सामने क्या कर दिया बताऊंगी कि आप ही ने विश्वास मेरा तोड़ नहीं। तो आओ महाराज, ये तो तुम हमें झूठा दोष दे रही हो, झूठा है हवाएं दोष जन देहु और दुई के चार मांग करे हो, हमें दोष ना दो। तुम दो वरदान की कह रही हो, चार मांग लो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है, ये कर्जा है और कर्जा देना हमारा धर्म है, इसलिए प्रसन्नता से मांगो, प्रसन्नता रूठ कर नहीं मांगो। बिल्कुल नहीं रूठूंगी अब मैं आपसे। हाँ, मेरे पास महाराज प्रिय, अरे मुझे तो मुझे प्यारा और मुझे तो मुझे चाहिए। सुनो प्राणपति भावत जी का, देव एक बार भरते टीका, ये अपना पराया कहां से आ गया, निज सुत को राज मांग, क्या राम तुम्हारा बेटे नहीं है, उसके लिए आज पता नहीं बहकी बहकी बातें कर रही है। देखो एक बात बताएं, लोभ ना रामई राज,
बहुत भरत संतरी हमारे राम को राज का लोभ नहीं है, लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत सन प्री मैं बड़ छोट विचार कर करत रहू रुक्मी। अरे हम तो रघुवंश की परंपरा के अनुसार सोच रहे थे कि जेठ स्वाम सेवक लघु भाई यह दिनकर कल रीत सुहाई, सोच रहा था राम जेठा है बड़ा है युवराज बना दे, लेकिन नहीं तुम चाह रही हो भरत को राजा बना दिया जाए। तो महारानी ये वरदान हमने तुम्हें दिया, दिवस अवश्य दिया, क्योंकि कल प्रातः काल हम दूत को भेज करके भरत को ननिहाल से बुला लेंगे और अयोध्या का युवराज भरत को बना लेंगे। ये वरदान हमने तुम्हें दिया। एक महाराज दूसरा वरदान हाथ जोड़ के मांग रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो कर्जा है। हाथ जोड़ने की इसलिए नहीं आवश्यकता है कि अब आपको हम विश्वास ही नहीं, इसलिए आप मांगो और तुम्हारा वरदान देना हमारा धर्म है। मांगो, क्या मांगो? सुनो, दूसरा बार है मेरा, सो कंपित मत होना, छत्री नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा था, तो अब राम राजा तो हो नहीं रहा, फिर अब राम राजा तो हो नहीं रहा, तो मेरा बेटा भरत राजा हो रहा है, आपने मुझे वरदान दे दिया, तो राजा जो राम हो रहा था और राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों के लिए कस्ती बनकर बात भारतीयों बात भारतीयों बात। नहीं महारानी नहीं, माथे नहीं नहीं आज तुम्हारे वचनों को सुन करके ऐसा लगा कि हमारे हृदय पर वज्राघात हो गया। मैं नहीं जानता था कि राम को तुम 14 वर्षों के लिए वनवास भेजोगी। अरे संसार की कोई मां ऐसी नहीं होती जो अपने लाल को अपने से दूर कर दे और वो भी 14 वर्षों के लिए। नहीं नहीं, क्योंकि हर चल रहे सुंदर संवाद पर ये 11 रुपया पूर्वी गुप्ता उदय और 11 रुपया स्वामी ताज पत्थर वाले, 21 रुपया दालचंद ड्राइवर रामनगर उरई और 21 रुपया हरी पेंटर रामनगर उरई और 11 रुपया ब्रजभान कटेरिया रामनगर उरई, 21 रुपया रघुवर सिंह प्लम्बर गांधीनगर उरई और 51 रुपया सियाराम प्रजापति शांति नगर उरई की ओर से आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जिस राम को तुम कितना चाहती थी बचपन में देखता था, यदि राम को तुम स्तनपान कराती थी, दूध पिलाती थी, और अगर आज राम के लिए तुम्हारे मन में ये भाव नहीं नहीं मारा ली, ऐसा जुल्म न करो, क्योंकि राम बिना तो हमारी अयोध्या सूनी हो जाएगी। दूसरी ओर विचार करता हूं, अभी कितना समय हुआ, पुत्र वधू सीता आई है, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, उसके हाथों का महावर भी नहीं छूटा, क्या वो 14 साल
तक पति के बिना रह पाएगी। नहीं नहीं महारानी, मेरे राम पर ना अन्याय ना करो, अन्याय ना करो।